जो एलन की टीम हमारी यहाँ आई है, और कुछ तीन पांच दिल्ली के साथ ऐसा हुआ हमारा कि इस साल हमको 35 साल हो गए हैं एलन को एस्टैब्लिश हुए, और टॉप फाइव में हमारे पास तीन रैंक्स आए हैं। Somehow this number is catching close to us. तो आठ महीने में हुए, which is 3+5. टॉप फाइव में हमारे पास तीन स्टूडेंट्स आ गए, which is 3+5, और 35 साल एलन को हो गए हैं। ऐसे ही 350 साल हम लोग यूनियन देश की सेवा करते हैं, यही हमारा नाम है, यही मकसद है। और ऐसे में इतना प्यारा सा बच्चा हमें मिला दिल्ली से, दिल्ली की खूबसूरत जगह से, जिसने हमारा नाम रोशन किया। हमारे टीचर्स प्यारे प्यारे, इनके जो मेंटर्स थे, इन्होंने मेहनत करके इसको इस पोजिशन तक लाया। 300 में 300 लाया है बच्चा, टॉप फाइव में तीन बच्चे। ऐसे में वो भी बच्चे हैं कुछ जो सिलेक्ट नहीं हुए होते। मैं एलन का एक आपको विजन वो भी बताऊं, हमारा एक बड़ा महत्वपूर्ण मकसद ये भी होता है सर कि बच्चा अगर आईआईटी तक नहीं पहुंच पाए तो कभी वो ये ना कह पाए कि एलन हमारे सिलेक्ट ना होने का कारण था। मतलब कम से कम उसकी पोटेंशियल के हिसाब से अगर वो एनआईटी पहुंच सके या किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज पहुंच सके, अगर वो औसत बच्चा भी, तो हम उसकी पूरी प्रयास करते हैं। बाकी ऐसे होनहार बच्चे तो हमारे साथ जुड़ते ही रह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोहिनूर टीचर्स हैं, प्यारे प्यारे टीचर्स हैं, इनकी मेहनत और लगन की वजह से ये तो हमारे पास आता ही रहता है। पर हमारा वो विजन भी हमेशा रहता है कि औसत बच्चे को भी हम उसके बेस्ट पोटेंशियल तक ले जा सके। और एक टैगलाइन जो मैंने भी बोली हमारे डायरेक्टर की हमेशा ये रही कि बच्चा बाहर जाकर कभी ये ना बोले कि मैं अगर सिलेक्ट नहीं हुआ तो उसका कारण एलन था। तो हम अपनी तरफ से वो बेस्ट हैं कि हमेशा खुश। हाय मलय दिस साइड, अपनी जर्नी के बारे में बताइए। आपने फोर्थ रैंक जो है हासिल की है, कितने एक्साइटेड हैं आप? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरी जर्नी आरएफ के साथ अगस्त में शुरू हुई थी। मैंने आरएफ में ज्वाइन किया था क्योंकि आरएफ में एग्जामिनेशन और डाउट क्लियरिंग सेशन और इंस्टीट्यूट से बहुत अच्छे होते हैं, और मैं आपके बहुत खुश हूँ। यहाँ मुझे बहुत सपोर्ट मिला अपने टीचर्स का, अपने मेंटर्स का। मुझे जिन भी एरिया में प्रॉब्लम थी वो क्लियर हो पाया, उनमें मैं बेटर हो पाया, और आज मेरी रैंक काफ़ी बहुत अच्छी। आपने एलन को ही क्यों चुना, और भी काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं जैसा कि मैंने कहा, एग्जामिनेशन कंडक्ट करने में, डाउट सॉल्विंग रेगुलर करने में एलन टॉप पे है। उससे अच्छी किसी की रेपुटेशन नहीं है इस मामले में, इसलिए मैंने एलन चूज किया। जैसा आपने बताया एलन बेस्ट है, टीचर्स का बिहेवियर कैसा रहा आप लोगों के साथ जब से आपसे स्टार्ट किया था? हम अपने टीचर्स के साथ 2 साल से जुड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली टीचर्स के साथ कनेक्ट बहुत अच्छा है। तो हमारे टीचर्स के साथ बहुत अच्छी जर्नी रही है स्टार्टिंग से ही, और हमारे टीचर्स ने हमारा हमेशा सपोर्ट किया है, हमेशा मोटिवेट किया हमें, और हमेशा हमें अपना बेस्ट अचीव करने के लिए मोटिवेट किया। और भी सर अपना नाम बताइए थोड़ा सा, नेम प्लीज। मेरा नाम आयुष। किस रैंक को से रैंक आप किया? रैंक रैंक मार्क्स मार्क्स। आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो अभी? अभी तो जी डांस की तैयारी है। किस तरह से आप मतलब अपनी स्टडी पे फोकस कर रहे हो? मतलब जैसे मुझे मेरा क्लास में है, तो हम लोग सब रोज सुबह सेंटर पे आते हैं, और फिर जो भी डाउट के सेशंस होते हैं सब क्वेश्चन देते हैं, करते हैं वो हम करते हैं, स्टडी करते हैं, और फिर जाके घर जाके इससे बढ़े होते हैं। टीचर्स की किस तरह से आपको हेल्प एंड सपोर्ट मिल रहा है डाउट सेशन वगैरह के लिए? हमारे जो भी यहाँ एलिमेंट टेस्ट होते हैं या फिर जो भी मटेरियल्स पे डाउट आते हैं, तो टीचर्स हमेशा रहते हैं सेंटर पे कि हम कभी भी जाके पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, और टीचर्स हमेशा अच्छे से क्लियर कर देते हैं। टू रैंक 330। अच्छा, जब आप एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, पेरेंट्स का किस तरह से सपोर्ट मिला आपको और मेंटोर्स ने आपकी किस तरह से हेल्प की? मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट तो काफ़ी अच्छा है, जैसे मेरे मम्मी पापा मुझे घर पे सुबह लेने आ जाए, जब मुझे कभी घर जाना होता है तो
फिर वो ले लेने आते हैं थोड़ा डिस्टेंस आ गया और मैं मतलब मम्मी मुझसे चीज़ें पूछती हैं कि मम्मी को चीज़ सुनाती हूँ पापा से फिर मैं जैसे एडवाइस देने वाले मैं एडवाइस देती फिर मेरे मेंटर्स मेरे टीचर्स ने तो काफ़ी हेल्प कर दिया डाउट्स क्लियरिंग में और जैसे कॉन्सेप्ट में सब किया है। आपने स्टडी पे कैसे फोकस किया अपने स्टडी पे फोकस तो मतलब कैसे किया रूटीन क्या होता था आपका स्टडी चेंज हो जाता रूटीन तो जैसे सुबह उठती हूँ मैं आजकल केमिस्ट्री पढ़ती हूँ फिर सेंटर आना होता है तो सेंटर पे जैसा मैं टेस्ट हो गया फिर सर कुछ क्वेश्चंस दे दे करने के लिए तो फिर घर आके मैंने पूछना है घर आके तो क्या प्लानिंग है इन फ्यूचर आपके लिए अभी तो देखिए एडवांस बहुत अच्छा लग रहा है इट इज हर हार्ड वर्क विच शी इज बीइंग पेड फॉर वी आर फीलिंग वेरी प्राउड अच्छा अभी शीता के पापा से जानना चाहेंगे इतना सपोर्ट किया फाइनली जो आपकी मेहनत है वो रंग लाई शीता ने इतने अच्छे मार्क्स के साथ रैंक हासिल की है कितना सपोर्ट किया कितनी मेहनत लगी इस रैंक तक लाने में शीता मेहनत उसकी है मेहनत उसकी है और उसकी फैकल्टी टीचर्स की है किस तरह से आपने लोगों का सपोर्ट तो मोर ऑफ ऐसे कहते हैं ना जैसे इवेंट मैनेजर टाइप से वैसे होता है राइट मेहनत तो बच्चों की होती है और फैकल्टी की होती है टीचर्स की तो स्टडी को कितना टाइम देती थी इशिता जितना आपने मतलब 12 घंटे टाइप रहता ही है उसमें तो कम नहीं इशिता की टीचर है इसके बारे में बताएं किस तरह की स्टूडेंट है किस तरह से अपने डाउट्स को लेकर आपके पास आती थी और किस तरह से आप इनकी हेल्प करते थे ये बहुत ही जुझारू मैं कहूँगा स्टूडेंट है जब तक कोई चीज़ इसको नहीं क्लियर होगी जब तक ये पीछे उसके लगी रहेगी एकदम कभी भी ईगरली इसका फ़ोन आ जाएगा सर मेरे पास ये डाउट आ गए हैं एक्युमुलेट हो चुके हैं और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि शुरू से ही बहुत हमेशा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है इसने आज से 6-7 महीने पहले भी अगर मैं देखूँ तो इसके नंबर करीब 300 में से 220 नंबर तक भी ये स्कोर किए हैं इसने कई बार 200 से कम भी किए हैं पर इसने हारी नहीं हिम्मत ये इसकी मैं सबसे बड़ी इसे मतलब अगर किसी बच्चों को सीखना चाहिए इंस्पिरेशन तो ये है कि लगी रही और आज देखिए इसका स्कोर 273 और रैंक भी इसकी बहुत अच्छी रैंक तक ये पहुंची है सिर्फ कंसिस्टेंसी थैंक यू मैम आपसे जानना चाहेंगे मले ने ऑल इंडिया रैंक में 4th पोजीशन हासिल किया कितनी खुशी है आपको अपने बेटे की मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि हमने भी जब से उसने प्रिपरेशन स्टार्ट किया कि यही सपना देखा था कि मले ऑल इंडिया रैंक लाए एंड नाउ आई एम वेरी हैप्पी दैट वो ये कर पाया और उसने अपने सपने को और हमारे सपने को दोनों को भी पूरा किया की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।